गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों और हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी, बिहार के श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी, यहाँ उपस्थित तेलंगाना विधानसभा के माननीय पूर्व स्पीकर एवं इन दिनों तेलंगाना विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मधुसूदन चारी जी, यहाँ उपस्थित माननीय सदस्य तेलंगाना विधान परिषद श्री पल्ला राजेश्वर रेड्डी जी, हैदराबाद नगर निगम के भूतपूर्व मेयर श्री बौंधुराम मोहन जी, भूतपूर्व मेयर करीम नगर नगर निगम श्री रविंद्र सिंह जी, महासचिव तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS श्री आर श्रवण कुमार रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव श्री सोमेश कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुभानी जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भुज्जा जी और तेलंगाना राज्य से आए हुए अन्य सम्मानित अतिथिगण, पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना मृतकों के यहाँ उपस्थित सभी परिजन, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं श्री के चंद्रशेखर राव जी का कि वे बिहार आए हैं और उन्होंने ये खबर दिया था कि हम ये चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ज़रूर आप आइए और आज उन्होंने आने का समय निर्धारित किया और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और सब तरफ से सारी बातें कह दी गई। भाई तेजस्वी जी ने भी बातें की, चंद्रशेखर राव जी ने भी बातें की और सोमेश कुमार जी ने भी कुछ बातें कही, अमीर सुभानी जी ने भी बातें कही, तो आप सब लोगों को तो मालूम ही है कि ये लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए, और हैदराबाद में जो जो स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ और सब लोगों ने देखा कि उन सब के परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने, तो ये बड़ी अच्छी बात की है। और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में, तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज इन्होंने किया, सबको दिया, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है और आभार व्यक्त करता हूँ उनको।
और हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि जो गलवान घाट लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में जो चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया गया था, तो उसी गलवान घाटी में सब लोग जो थे भारतीय सीमा में घुसने की मंशा से निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला किया था, और हमारे भारतीय जवानों के प्रति कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने उन लोगों को खदेड़ने के लिए पूरा काम किया था। और ये उस समय की बात सबको मालूम है, और उसी में लगभग 20 लोग शहीद हुए थे, और उन लोगों ने जो गोली चलाई और सब कुछ किया उसके चलते हुए, ये बहुत दुख की बात थी। ये बात तो सबको मालूम ही है कि 2020 में 15 जून को ये घटना घटी थी, तो इसको लेकर के तो सब लोगों को तकलीफ हुई ही थी, और जो कुछ भी था और केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी आर्मी के साथ हुआ है उसके लिए जो दिया जाता है, और उसके अलावे हम लोगों ने भी राज्य सरकार में ये तय कर लिया था कि शहीदों के परिवारों को, 5 शहीदों के परिवारों को 11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देंगे, और इसके अलावे मुख्यमंत्री राहत कोष से उन 5 शहीद के परिवारों को 25-25 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया गया था। तो ये सब तो जो करना है करते ही हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये तो यहाँ के थे तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि तेलंगाना से इन्होंने किया, घटना वहाँ की नहीं है, घटना तो लद्दाख की है, और वहाँ के लिए भी इन्होंने जो लोग भी इस तरह की दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे इससे आर्मी वाले लोग, तो उसमें जो भी चाइना के लोगों ने किया था, तो इस तरह से जो इन्होंने तय किया कि हम अपनी तरफ से अपने राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को जरूर अपने राज्य सरकार की तरफ से मदद करेंगे, और उसी सिलसिले में उन्होंने चर्चा की, अन्य जगहों पर भी मदद कर चुके, और बिहार में भी इनका काम बचा हुआ था, आज आकर के इन्होंने भी काम पूरा कर दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है, आप सब लोगों ने ये सब काम कर दिया है, और जो कुछ भी था, और 23 मार्च 2022 को जो एक स्क्रैप गोदाम में जो हुआ था 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी, अब उसी हिसाब से आप लोगों ने भी उन लोगों के लिए यहाँ पर आकर के 5-5 लाख रुपया कर दिया है, और जब ऐसी घटना कहीं हमारे बिहार के लोग जो काम करते हैं दूसरी जगह पर मजदूरी करते हैं, कुछ तरह की कोई घटना घटती है, तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी इसके लिए मदद करते हैं, तो इन सब लोगों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से, एक तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपया, और एक जो है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, उसके माध्यम से भी 1-1 लाख रुपया सबको, ये सब तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपने सब लोगों के लिए किया और सबको वहाँ से भेजने की व्यवस्था की, तो ये सब बात आप इस बात के लिए चिंता करते हैं और ध्यान देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और जो कुछ भी है, और हम लोगों के यहाँ दिल्ली में जो हमारा स्थानीय आयुक्त है कार्यालय, उसमें श्रम संसाधन विभाग के एक पदाधिकारी को रखा जाता है, जो एक एक इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, और इस तरह की कोई घटना कहीं घटती है तो तुरंत वहाँ जाते हैं और देखते हैं, तो अन्य जगहों पर तो जा करके वो देखते हैं कि अगर वहाँ से लाना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन भाई आपने तो सब इंतजाम कर दिया, आप लोगों ने कर दिया, कई जगहों पर इस तरह की घटना घटती है तो बिहार सरकार की तरफ से लाने का और ये सब करने का काम किया जाता, हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपने ये किया है, ये आपकी इच्छा रहती है, बहुत अच्छा है, और यहाँ से तो काफ़ी लोग, अभी तो आप बता रहे थे कोरोना के दौर में, तो हमारे बिहार के लोग तो बहुत संख्या में आपके यहाँ काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आपने ही कहा, ये हम लोगों को मालूम है कि कोरोना के दौर में आपने सब लोगों को भिजवा दिया था, और कई जगहों पर कितनी परेशानी लोगों को हुई थी, अंत में हम लोगों ने पूरा मांग किया तो स्पेशल ट्रेन चलाया गया था, तो उसके अलावे आप जो भेजे वो तो भेजे, 21 लाख लोगों को वहाँ से यहाँ लाया गया, और हम लोग तो सब जगह के लोगों का हाल चाल लेते थे, पता करते थे, बात करते थे, और 3 जगह उनके फ़ोन का इंतजाम किया हुआ था, और उन सब लोगों को जो संभव था हम लोग वहाँ भी मदद करवाते थे, वहाँ भी दे देना, ये सब काम तो हम लोग करते रहे, लेकिन आपने भेज दिया और फिर आपको ज़रूरत पड़ गई, आपको लगा कि भाई लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ काम नहीं हो सकेगा, तो फिर आपने यहाँ खबर भेजी और हम लोगों ने अनुमति दे दी, और उन सब लोगों को फिर आप बुलवा करके खुद ही ले जा करके उनसे आपने काम करवाया,
तो ये सब काम तो आप करते रहे, सब हम देखा है, और कहीं कोई इस तरह का काम नहीं किया है जो आपने काम किया है। तो ये सब काम के लिए तो आपका अभिनंदन है ही, इस काम को तो करते ही रहते हैं, और हम लोगों को तो जितना संभव था हम लोग सबका काम करते ही रहे कोरोना के दौर में। और कितना हम लोगों ने खर्चा किया, सब तरह से किया, केंद्र की तरफ से जो किया जाता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोरोना के दौर में हम लोगों ने जितना किया है, आज तो देश में कहीं नहीं ना, हम लोग जो कुछ भी कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं उनको अपनी तरफ से 2020 जब से ये शुरू हो गया 20 और तभी से 4 लाख रुपया देते हैं उनके परिवार को। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से वहाँ के लोगों का पर ध्यान दिया, भेजा, फिर आपको जरूरत थी आपने बुलवाया, तो एक एक तरह से तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आपने तो सबसे बड़ी बात है भाई आदरणीय चंद्रशेखर राव जी कि आप ही की कृपा से तो जो आपका राज्य था वो दो हिस्से में बटा, आखिरकार तेलंगाना बनाने के लिए तो आप 2001 से संघर्ष कर रहे थे, उस समय तो हम भी केंद्र में थे, तो उसी समय से आप शुरू कर दिए थे अपना आंदोलन चलाना कि भाई तेलंगाना एक अलग राज्य बने, और इसके लिए शुरू से ही आपने जो सारा काम किया और आप ही का ये काम है जो इसके लिए आप लड़ते रहे कि भाई आंध्र प्रदेश को दो हिस्से में बांटो और तेलंगाना बने, तो आप इसमें कामयाब हुए। 2014 में उस समय की जो सरकार थी उसी समय आप लोगों ने तो बिल्कुल फैसला हो गया था, संसद में भी हो गया, सब कुछ निर्णय हो गया, और उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ दोनों का एक साथ चुनाव हुआ, और फिर आपको सब चुनाव आप किए और उसके बाद फिर दोनों राज्य को अलग अलग कर दिया गया, और उसके बाद आप ही मुख्यमंत्री बने। जब ये हो गया तो उसके साथ आप बने, और इस सब तो आप समझ लीजिए कि आपका कितना बड़ा योगदान, आप समझ लीजिए तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया, बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में, आप अकेला हैं इस देश में जिसमें आपने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनवाया। अब आजकल आप पर कुछ कुछ लोग बोलते रहता है, एकदम फालतू बात है, जो आदमी तेलंगाना को बनवा दिया तेलंगाना का आदमी आपको छोड़ेगा कहीं, और कुछ लोग थे, और तेलंगाना बना है तो आजकल जो है उन्हीं का किया हुआ तेलंगाना अलग, कि तेलंगाना उसके पहले ही अलग हो गया था, निर्णय तो उसके पहले हो गया था, इसलिए अब कौन क्या बोलते रहते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी चिंता आपको न रहे, आप एकदम पूरा मजबूती से और जितना अपने पूरे इलाके का और अपने इस तरह का काम करते रहते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी वहाँ काम करता है तो सबसे तो मालूम होता है कि भैया पूरा का पूरा तेलंगाना के विकास के लिए सब तरह का काम करते हैं। और जरा देख लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात थी कि दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है दो हिस्सों तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बटा, ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चीज आप लोगों ने किया था। आपने जो काम किया कि मिशन भागीरथी योजना जिसके तहत गोदावरी एवं कृष्णा नदी से पानी लेकर तेलंगाना के गांव गांव तक आप लोगों ने पहुंचा दिया, लोगों को पीने के पानी का संकट था और हर जगह लोगों को हर घर तक पीने का पानी पहुंचा दिया, ये कोई मामूली बात है, हम लोगों को तो बड़ी खुशी होती है। हम लोगों ने भी 2016 में जो 7 निश्चय घोषित किया था और उसमें हम लोगों ने तय किया था हर घर नल का जल, अब भी हम लोग भी लगभग हर जगह हर घर नल का जल पहुंचा दिए। तो आपका तो एकदम जो काम है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि जो आपने ये काम किया, जो दो नदियों से जो आपने काम किया तो उससे जो पानी पहुंचा दिया आपने, तो हम लोगों ने एक चीज तय किया था कि हम लोग गंगा नदी का जल भी 4 महत्वपूर्ण जगहों पर, गया, बोध गया, राजगीर और यहां पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 4 जगहों पर हमने करने का ये निर्णय ले लिया। और उसके लिए जब हम लोगों ने कर दिया कि गया बोध गया, तो आप जानते हैं कितना पौराणिक स्थल है और किस तरह से बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ,
तो वो जगह है, और गया तो आप जानते ही हैं, एकदम ऐतिहासिक जगह है वहां पर। और उस जगह पर से, और आज अभी हाल में जब वहां पर 9 तारीख से होने वाला है, तो देश भर ही नहीं है, कितने जगह से लोग आते हैं। तो क्या ये सब है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन पानी का संकट। और उस तरह से देखिए राजगीर, तो राजगीर तो जब देश एक था बहुत, मैंने हजारों साल पहले, तो राजगीर ही राजधानी थी, तो वहां भी पानी का संकट होता है। तो वहां पर देखते हुए, और सब के रास्ते से जा रहा था नवादा से, तो वहां पर भी किसी तरह का संकट न हो, तो हम लोगों ने तय किया कि गंगा नदी का पानी हम लोग वहां पर पहुंचाएंगे हर जगह। तो ये जब हम लोगों ने सोचा, हम बहुत पहले एक बार सोचे थे, लेकिन हमारे अधिकारीगण उस पर बहुत काम नहीं किए। लेकिन इधर जब हम लोगों ने शुरू किया था, काम अपना शुरू किए थे, तो उसमें फिर हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने एक जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान किया था, कि जब तक जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। ये काम किया था, उसी समय हमने तय किया कि भाई वहां पर पानी का संकट रहता है, अब बाकी जगह तो हर घर नल का जल हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन गंगा जल वहां पहुंचाएंगे, जैसे वो भी पवित्र जगह है, तो गंगा जल भी वहां पर पहुंचाएं। तो इसके लिए जब काम करने का सोचा, तो सबसे पहले अपने अधिकारियों को हमने आपके यहां भेजा, क्या कि वहां पर जब आपने दो नदियों से जब पहुंचा दिया घर घर में पानी, तो इसीलिए हमको लगा कि आप बहुत बड़ा काम किए। इसलिए हमने यहां से अधिकारियों को भेजा कि भाई देखो कैसे काम किए, हम अगर गंगा जल पहुंचाना चाहते हैं इन चार जिलों में, चार जगहों पर, तो वहां से देखो, वहां से लोग लेकर के आए, और आपके यहां जो काम किया वैसे एक्सपर्ट्स को भी हम लोग लाए, और अब देखिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग बहुत जल्दी इस साल के में ही तक पहुंचा देंगे लोगों तक। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, और आपके यहाँ जो काम हुआ, इसलिए हम जरा चर्चा कर देना चाहते थे कि भाई आप ही ने ऐसा काम किया, और हम लोगों के मन में ये बात थी, तो वहां देख करके कहा कि भाई कैसा बढ़िया कि दो नदियों से आपने जो सारा काम किया, तो बहुत बड़ी बात है। अब कैसे इतना बड़ा बड़ा काम आप किए हुए हैं साहब, कैसे कोई आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज करता है, हमको समझ में नहीं आता। जिनको काम नहीं करना है, खाली प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, कोई काम होता है साहब, खाली सब चीज होता है। अब राज्यों को तो पैसा घट रहा है, पहले जितना मिलता था उससे भी कम घट रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। अब भाई हम लोग तो चले गए थे फिर लौट आए, तो इसलिए तो अलग बात है जो देख रहे हैं हम लोग हालचाल। अब कहा भाई बिहार इतना पिछड़ा राज्य, अब बोलिए हम लोग कितने दिन से कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आप समझिए, तो यहाँ के लोग जो हैं, इस जिले के लोग, यहाँ के जीत कितना बढ़िया काम करके कितना मेहनत करते हैं। हम लोग जब से मेहनत किए तब से ही लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता तो आज कितना आगे बढ़ा होता, और राज्य के विकास, देश के विकास में भी कितना इसका ज्यादा योगदान होता। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे। और आपको बता दें कि भाई हैदराबाद से बहुत पुराना संबंध है हमारा, जब हम पहली बार MLA जीत करके यहाँ पर आए थे 85 में, तो 86 में आपके हम गए थे हैदराबाद में, वहां पर जो आपका है कृषि एवं ग्रामीण विकास में जाग विकल्प जो है आपका, उसी में प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ विधानसभा से कई सदस्यों को कहा गया, हमने कहा कि ना हम तो जरूर जाएंगे। तो हम पहली बार 86 में वहां जा करके सब सीखे थे हम कि कितना बढ़िया काम आप कर रहे हैं कृषि और इसके। और बाद में जब हम लोगों को मौका मिला, तो आप जान लीजिए हम लोगों ने आपका जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, हमने यहाँ पर DMI बनाया है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आपके यहाँ जो जाकर के हम देखे थे, तभी मेरे मन में उसी समय से भाव था, आज जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो हमने यहाँ पर DMI बनाने का निर्णय किया। तो देखिए आपके यहाँ तो हम लोग कितना, जब केंद्र में मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो बहुत मानते थे ना हम लोगों को। अब आजकल की बात छोड़ दीजिए, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे, इतना मानते थे जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने दिया था,
चाहे कृषि का विभाग हो, चाहे हम लोगों को रेल का हो, कुछ भी काम आप दिया, इतना एक एक चीज को मानते थे। और साहब उसके लिए तो हम पूरे देश में घूमते थे, तो आपके राज्य के कौन हिस्सा में हम नहीं गए? जब उनकी सरकार में थे तो एक एक जगह जा जा करके, और उस सिलसिले में जो कुछ भी किया जा सकता है केंद्र की तरफ से, उसके लिए उसका आकलन करने, देखने, और वहां पर जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए हम बराबर जाते थे। तो आपके यहाँ इतना बार हम गए, यानी अपने बचपन के समय से लेकर के अब इधर, तो देख लीजिए 17-18 के बाद थोड़ा सा आई, 20 से हो गया कोरोना, तो इसके बाद तो कहीं जाने का दिक्कत हो गया, एक अलग बात है, लेकिन बराबर जाते रहे। तो आपके राज्य के प्रति, और आपने अलग बनवा लिया, उसके बाद भी हम गए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और आप, आपकी जो राजधानी है वो भी बहुत बहुत अच्छी जगह है, और उसको देख करके और बहुत कुछ जानने का और देखने का जो मौका मिला है, बहुत कुछ जानने का अवसर जो मिला, तो इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आपका, तो आपके राज्य के प्रति तो हम लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, और आपने ये जो तय किया है, और हर तरह से जो इस तरह से आप जो तय करते हैं, जो कुछ भी आप तय किया है, इसके लिए हम आपको, आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं। और आज का जो ये काम किया, जो गलवान घाटी में शहीद हुए उनके प्रति, और हैदराबाद दुर्घटना में जो पीड़ित हुए उनके परिवार के लिए जो किया आपने, और उसके लिए समय लिया, समय यहाँ के बारे में तय करवाया और आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और अपने राज्य के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, राज्य को बनाना और राज्य का विकास करना, इसके लिए जो काम करते हैं, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ बिहार में आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो भी आई हुई हैं महिलाएं, जिनके परिवार को ये संकट का सामना करना पड़ा है, हम उनके प्रति भी पूरे तौर पर, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और आप सब लोग आए, और इन्होंने जो कुछ भी किया है, और एक बात हम आप लोगों को और बता देते हैं, इन्होंने तो किया ही है, और हम लोगों की तरफ से भी, यहाँ के बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, हम कहेंगे कि एक बार जरा सबसे जरूर मिल लीजिए, अगर उन लोगों की कोई समस्या अपने यहाँ हो तो आप जरा बता दीजिएगा, उसके लिए भी मैं आपको सहयोग करने की जरूर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सब हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे, आजकल तो आप लोग पत्रकार हैं, तो आप लोगों का तो विचार ठीक है, लेकिन आजकल जो सब जगह कब्जा कर लिया गया है, और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज को तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है, इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि जैसे पहले चलता था न्यूट्रल, निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे, आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है, सबकी आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल, तो ये सब हो गया है। तो ये सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।